बस्ती लोकसभा के लिए 25 मई को मतदान होना है। इससे पहले हम पहुंचे हैं वोटरों का मूड जानने के लिए। इसमें मैं भूवर गांव में मौजूद हूं और यहां हमारे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, साथ में खड़े हैं, यहां बात करेंगे इनसे, आखिर मुद्दे क्या हैं। चाचा आप इसी गांव के रहने वाले हैं? अरे हमारे घर भाई कुल। क्या नाम है आपका? राम शंकर। चाचा क्या मुद्दे हैं इस बार? जनता वोट जब देगी 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, तो क्या मुद्दे, क्या आप लोग सोच रहे होंगे? क्या सोच के दिए बाबू, हमार तो क्यों नहीं कुछ की। हमार वो घर के नाली बनबा कुल वोट, यो घर के बनबा और गांव और विकास हुआ है, गांव का विकास हुआ। अरे थोड़ बहुत ही है सारा कोड़क बन भाइल बा। आपका क्या नाम है? किशोर कुमार श्रीवास्तव। क्या लग रहा है इस बार, मुद्दे क्या है आप लोग, जनता क्या सोच रही है? जनता काम मिले और क्या सोच रही है, बेरोजगारी से परेशान है। हाँ और क्या, कोई काम ही नहीं है। अच्छा आप ये बताइए, आप गांव के मुद्दे पूछे हैं, गांव में क्या स्थिति है, गांव में क्या विकास के कार्य हुए? कोई विकास के कार्य नहीं, सड़क हुआ, नाली हुआ, बिजली, यहाँ आपको तो वही पुराना है। अभी तो बीच में सब लोग आए थे तो हम लोग कहे भी कि रास्ता के लिए क्या कहे बनेगा, अब आ रहे तो जितने लोग आ रहे थे हम लोग कहे चुनाव बाद बनेगा। अच्छा आप बताइए क्या गांव के मुद्दे हैं? गांव के मुद्दे यही हैं, सब अपना कमा खा रहे हैं, किसी के भरोसे नहीं। विकास हुआ है कि नहीं गांव में? विकास कुछ नहीं, जो जैसे था वैसे है, जो पहले बना था वही बना है। सड़क नहीं बनी आपके गांव में इस सरकार में? जो पहले से बनी है वही मरम्मत हो जाती है। 2014 के बाद से सड़क नहीं बनी? बनी है, यही है जहां आप खड़े हो। और बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली है और नाली, और लोगों को आवास, किसान पेंशन, नाली है, नाली है, बिजली है, मूलभूत सुविधाएं सरकार ने दिया है। हाँ तो मानेंगे? हाँ मानेंगे। और भी लोग मौजूद है, युवा हो भाई साहब, आप आगे आओ जरा बताओ, गांव में रहते हो, वोट देते हैं? हाँ। तो क्या गांव के मुद्दे हैं? अब गांव से क्या हमें क्या लेना देना है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्थाएं हमें तो देना, हम सिर्फ गांव के विकास को लेके बात कर रहे हैं। सरकार ने विकास किया कि नहीं? हमारे ख्याल से तो कुछ दिखा नहीं अभी तक जो दिखना चाहिए। क्या आप चाह रहे थे जो हुआ नहीं? हमें तो सबसे ज्यादा जरूरत हमें सड़कों से रिलेटिव रहना है, तो वो चीजें हमें दिख नहीं रही हैं अभी तक, चाहे कोई भी पार्टी आए। रोड है ही नहीं, जहाँ अर्थव्यवस्था की बात आप कर रहे हैं वो चीज हमें दिखी नहीं रही है। ये बताओ ये सड़क कब बनी थी? हमें हमारे ख्याल से ये प्रधानी में बनी है। और कब बनी थी, 2014 के बाद की पहले? 14 के बाद ही बनी, मतलब यहाँ बीजेपी के सांसद थे तब बनी? तब बनी है। सरकार भी हाँ इसी सरकार में, बीजेपी की ही सरकार में बनी है, और भ्रष्टाचार भी इसी सरकार में अधिक है। हाँ ये और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, महिलाएं हैं, आप लोग कुछ बात करेंगी, बताएंगी मुद्दे, आप लोग क्या सोच के वोट देंगे इस बार? क्या वोट दे, किसको दें, जब हम लोग का कुछ सुनते ही नहीं है, ना हमारे पास घर है, ना हम लोग का शौचालय मिल रहा है। घर नहीं है आपके पास? नहीं घर नहीं। कहाँ रहती? ये हमारे लोग का मिला है, झोपड़ी है, सब अलग अलग हो गए, घर नहीं है हमारे पास। आपका मकान नहीं है आपका? नहीं। कितने सालों से? हम लोग का रही है? हम लोग का 3 साल से बना है झोपड़ी, अलग अलग सब हो गए हैं, घर और नहीं मिल रहा है। आप झोपड़ी में रहती हैं? आवास आपको चाहिए, मिला नहीं? हाँ नहीं मिला है। क्यों चाची ये बता रही है कि इनको आवास नहीं मिला है, झोपड़ी में रहती मकान झोपड़ी है? अच्छा क्या मुद्दे क्या है आप बताइए, गांव में क्या आप लोग को जरूरत है, सरकार ने कुछ किया क्या? आवास नहीं, किसी को मिले किसी को नहीं मिला है, सबको नहीं मिला है, और लोग को मिला है और लोग को नहीं मिला है। सड़क बिजली नाली आप जी सबको है? नाली थोड़ा दिक्कत, नाली थोड़ा दिक्कत है, और रोड सब होता है, राशन सबको मिल रहा है, और क्या चाहिए? राशन मिल रहा है, राशन राशन हर महीने में पाते हैं, हम लोग खाते हैं। चलिए और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। चाचा बताइए क्या स्थिति है गाँव में, आप क्या कुछ विकास हुए? गाँव का ये विकास रोड बना था हल्का से, बना था रोड बहुत साल भर हो गया, 2 साल बीजेपी सरकार में बना था? नहीं पहले भी बनी थी, अब सरकार में, हर सरकार में बना है। तो फिर आप खुश हैं कि नहीं, बीजेपी सरकार ने जो काम किया है, सरकार ने जो काम किया गांव में, महंगाई बहुत ज्यादा कर दिया है,
महंगाई से चरम सीमा पर है। क्या मुद्दे हैं गांव में, शहर के हम नहीं पूछ रहे, गांव में आप लोगों को गरीबी है, रास्ता भी नहीं ठीक है गांव का, बिजली आती है जाती है कटती है, किसान है उनको सम्मान निधि मिल रहा क्या किसानों को? किसान बहुत पाते हैं, नहीं पाते होंगे। और क्या क्या आप लोग को जो यहाँ पर विकास होने थे हुए? अब नाली नहीं बना गाँव का मेन चीज, नाली पहला काम, नाली बना चाहिए पहला काम, क्यों बोले भैया पहला काम नाली गाँव चाहिए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सरकार की तरफ से कुछ यहाँ दी गई है, आपका कहना कुछ नहीं मिली है, जिसकी आप ही तो कह रहे हैं कि सड़क एक साल पहले बनी, एक साल सड़क मरतबा पांच मरतबा बनी होगी, ये 10 साल के अंदर 5 मरतबा बनी होगी और टूट जाती है। मतलब ये है कि सरकार अगर रिपीट करती है तो सड़क बिजली पानी इस गांव में, गांव में नाली नहीं, नाली नाली जो भी है कहीं नाली नहीं है, नाली कहीं है कहीं नहीं है, इस पर नाली चाहिए था, नाली नाली नहीं है। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं आप लोग, नाली बहुत बड़ा मुद्दा है, नाली इस गांव के लिए ये बड़ा मुद्दा है, नाली बहुत जरूरी है, नाली जो भी बनना चाहिए। ये जनता थी जिनसे हमने बात की, इन्होंने अपने अपने मुद्दे बताए गांव में किस तरह की समस्याएं हैं। फिलहाल तो 25 मई को मतदान होगा और 4 जून को फैसला आएगा और उसके बाद पता चलेगा कि बस्ती का सांसद कौन होगा। इस लोकसभा चुनाव में जनता के क्या मुद्दे हैं हम जानने के लिए पहुंचे हैं तुरकैया मोहल्ले में और यहाँ पर हमारे साथ कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोग मौजूद हैं। ये बताओ मौलाना साहब क्या मुद्दे हैं आप लोग के, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपने भाषणों में आप लोगों को टारगेट कर रहे हैं क्या इसके भाग रखते हैं? नहीं ऐसे कोई मुद्दे नहीं है, जो चुनाव में सब एक बराबर हमारे नजर में है और इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, चुनाव के बाद ही जो होगा मालूम होगी सच्चाई क्या है। अभी कुछ है आप लोग जैसे मूलभूत सुविधाएं आप लोगों को मिल रही है सरकार की तरफ? सब कुछ मिल रहा है तो बेहतर है, चुनाव के बाद ही मालूम होगा क्या इसमें सच्चाई क्या है, चुनाव के बाद ही देखा जाएगा क्या सच्चाई इसमें होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के, हम आप लोगों के समाज को लेकर पूछ रहे हैं? जैसे इस वक्त मुद्दा ये है कि जैसे राहुल गांधी जी ने कहा है कि 1 लाख रुपया देंगे और मतलब तमाम चीजें हैं, और भाजपा सरकार में अभी हमको तो कोई उम्मीद नहीं है कि उन्होंने 10 साल में कुछ किया और आने वाला जो वक्त होगा उसमें भी उन्होंने वो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए कि 15 लाख का जो उनका नारा था वो भी बेकार हो गया और रोजगार की बात उन्होंने किया था वो भी बेकार हो गया। तो हमारे हिसाब से तो ये है कि भाजपा सरकार एकदम नाराज की है आपकी? नाराजगी नहीं हमारी, नहीं आवाम की नाराजगी है, उम्मीदों पे खरा नहीं उतरी क्या? उम्मीदों पे नहीं खरा उतरी आप लोगों के समाज के लिए? नहीं हमारे समाज के लिए नहीं सबके लिए। तो जो आवास मिला है वो जाति धर्म देख के तो मिला नहीं, वो तो बात आपकी सही, लाइट अगर वो दे रहे हैं 20 घंटे तो जाति धर्म नहीं, वो आपकी बात सही है कि मतलब जात धर्म देख के नहीं कर रहे। ठीक है आप युवा वोटर हैं, क्या स्थिति है क्या मुद्दे आप? आने वाली 25 तारीख को बस्ती जिले में वोटिंग होने जा रही है, लेकिन मैं नौजवान युवा हूं लेकिन मेरे अंदर कोई भी उत्साह नहीं वोटिंग देने वोट देने के लिए, ऐसा ये पिछले ना जाने कितने सालों से मैं देश देख रहा हूँ कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है और रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है और युवा मतलब बहुत निराश उदास है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपसी सौहार्द और प्रेम भाईचारा बना रहे ये हम चाहते हैं, बाकी कुछ हो जाएगा लेकिन फिर आपसी जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो ये कहीं भी जा रहे हैं स्पीच दे रहे हैं तो वही राम, अब मैं राम को लाया हूँ ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक चीज ये कह रहे हैं हर हर मोदी घर घर मोदी, तो ऐसे कैसे हो जाएंगे हर हर मोदी, हर हर महादेव है कि हर हर मोदी कैसे हो जाएंगे, हर हर महादेव है ना, तो महादेव का ही पूजा किया जा रहा है कि मोदी का पूजा किया जाएगा पहले आप ये बता दीजिए। तो आप ये भगवान राम का जो नाम ले रहे हैं इससे नाराज? नाराज नहीं, नाराजगी वो तो भगवान राम पुरुषोत्तम है भाई, उनसे हम क्यों नाराज होंगे, वो तो हमारे आदर्श हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि जो मुद्दा जनता के बीच में होना चाहिए, गरीबी है महंगाई है सिलेंडर का है तमाम चीजें हैं, उस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। 30 करोड़ लोगों को सरकार कह रही है कि हम गरीबी रेखा से ऊपर ले आए हैं, ये गलत है, ये हकीकत कुछ और है, मिनी हकीकत कुछ और है। ये एक लोग और हमारे साथ मौजूद है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे बहुत से मुद्दे हैं,
जो भी मुद्दे 10 साल के बीच में ये जो सरकार चलाए रहे हैं मोदी जी, 10 साल के बीच में इन्होंने कुछ पूरा नहीं किया, जनता को केवल घुमाया। मोदी जी, अमित शाह जी जनता को केवल घुमा रहे हैं। मुद्दे जो असल मुद्दे हैं महंगाई के वजह से ये आए थे। कांग्रेस उस जमाने में महंगाई बढ़ा रही थी, वो महंगाई स्मृति ईरानी भूल गई, तो गैस का सिलेंडर कंधे पे लेके चलती थी और कहती थी वो जब 250 और 265 था, और अब ये जो 1100 सिलेंडर का रेट हो गया, स्मृति ईरानी गायब हो गई है, पेट्रोल कितना ऊपर चला गया ये नहीं दिखलाई दे रहा है। मुद्दे तो जो देश के मुद्दे हैं वो है ही, यहाँ लोकल मुद्दे ये है कि आप चले जाइए स्टेशन रोड पे देख लीजिए, एकदम बेकार, पानी से भरा हुआ। और जो हमारे सांसद जी हैं 10 साल के बीच में कुछ नहीं किया, हम नहीं कहते, उनके ही जात बिरादर के लोग कहते हैं। बाकी आप लोग टहल रहे हैं, खुद देखते होंगे क्या है बस्ती में, कुछ नहीं है, केवल जिला बना दिया गया। और मोदी जी अपने झांसे में सबको लेके अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनकी राजनीति जब तक चल रही है, लेकिन अब 2024 में हमको उनकी राजनीति में कुछ फर्क आया है, इसलिए उनकी लैंग्वेज से, उनकी बातों से भी हमको लग रहा है कि मोदी जी गए। चलिए, और लोग मौजूद हैं। चाचा, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इस बार चुनाव जो होने जा रहे हैं, क्या ये राष्ट्र को लेकर आप देख रहे हैं, इसको राष्ट्रीय मुद्दे क्या है, आपके क्या मुद्दे हैं? मुद्दा यही है, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, अध्यात्मवाद की बात करते हैं, न रोजगार की बात करते हैं, न महंगाई की बात करते हैं, न लोगों को गरीबी की बात करते हैं, न रोजगार की बात करते हैं, बस खाली अध्यात्मवाद की बात करते हैं और कोई बात नहीं करते। इसी बात से आपका जो समाज, अल्पसंख्यक समाज है, थोड़ा सा मोदी जी के जो भाषणों में बोल रहे हैं उससे नाराज है? तो गवाह ना, सब नाराज है इसमें, सब समाज का नाराज है, मतलब हर कौम का नाराज है। ये आप जात बात की ना बात कीजिए, नौकरी की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, ये सब बात कीजिए, जो लोगों को आपका वो होना चाहिए वो बात कीजिए बस। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। चाचा, आप कुछ बताएंगे मुद्दे क्या सोच के वोट देंगे? सोच के काम कोई, इनके बिना कोई रोजगार ही नहीं है, सबसे बड़ी तो चीज है महंगाई। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते हैं। कैसे घर चलता है? चल रहा, आप कैसे बताएं? आप बच्चे, आप कुछ नहीं, आपको रोजगार चाहिए। हाँ, रोजगार खत्म कर दिया गया। सिलसिले में जो इस बार वोटिंग होने हैं 25 तारीख को, आप लोग वोट करेंगे, क्या मुद्दे आप लोग? अब जो समझ में आएगा क्या बताएं, कोई सरकार से आप किसी को उम्मीद नहीं, जनता से परेशान है, वोट लीजिए, खून चूसिए और कतल भी कराइए, यही सरकार यहाँ की है, वोट भी लीजिए जनता, और सारी महंगाई, सारी परेशानी सब जनता पर है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो मुस्लिमों को कांग्रेस दलित ओबीसी इन लोग का आरक्षण काट के देना चाह रही है, इस बयान को लेकर किस तरीके से देखते हैं? अब इस समय में मोदी जी ने हमको नहीं मालूम है, आरक्षण की जरूरत है आप लोग जी, आरक्षण की जरूरत है? देखिए कि बड़ा इसके बारे में हम नहीं बता सकते। तो ये बस्ती की जनता है, अल्पसंख्यक समाज है, जिनसे हम बात कर रहे थे, इनके क्या मुद्दे हैं ये बता रहे थे, किस तरीके से बस्ती का विकास जो होना चाहिए था इन लोगों के कहने के अनुसार अभी हुआ नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।